वाले हेलो भाई मॉर्निंग कैसे हो बढ़िया भाई बढ़िया चले ब्रो पीस फुल पावर Alright, so hey guys, कैसे हो आप सब होप करता हूँ सब अच्छे होंगे वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग बाय द वे ये वाला व्लॉग दोबारा स्टार्ट हो रहा है क्योंकि इससे पहले एक्टिविटी मोड में शूट हुआ था मैंने रास्ते में जाके देखा सो हाँ तो हाँ अभी का सीन कुछ है आज हम लोगों को रेडियो जर्नलिज्म का प्रैक्टिकल है अभी 6:48 हो रहे मैं काफी जल्दी उठ गया था बाय द वे मैं आज कैप लेके जाऊंगा क्योंकि बहुत इतना ज्यादा ठंडा है ना कि तुम लोगों को क्या बताऊं तो हाँ फटाफट चलता है बिना किसी टाइम वेस्ट करने तुमसे सीधे बाद में मिलते हैं गाइस लेट्स गो भाई बचना है ना तो टोपी तो पहननी पड़ेगी ये देखो हाँ बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा है कसम से इतना भयंकर वो देखो वो पूरा कोहरा है बाय द वे मैं पापा के साथ जा रहा हूँ ठीक है भाई इतनी फर्जी इंसान है ना भाई क्या हाल है भाई बढ़िया भाई बढ़िया आप बताओ गाइस इतनी फर्जी लड़की ना मैंने इसको बोला कि ना आजा बहन मेरे को लेने और ये बंदी क्या बोलती है कि मैं सेंट मेरी से वापस आऊंगी मतलब एक तो आ मेरी अब कॉल बच्चों के सामने ना इंग्लिश बोल रही है वैसे तो हिंदी बोलती है यहाँ देख रही भीड़ है तो इंग्लिश कॉलेज के सामने पहुंच गई थी पूरा और इसने मुझे बोला भाई बताओ एक बहन आती कि नहीं आती भाई आती फिर इसकी तरह एहसान तो नहीं जताती कम से कम ठंड में मेरे दोस्त इतने फर्जी ना जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन तो इतनी महंगी महंगी चॉकलेट लाई और बर्थडे प्रोफेशनल भंगड़ा क्लब वाले नाम क्या तुम्हारा भंगड़ा का होगा डीबीसी ब्रोफिश डीबीसी वाले ब्रोफिश फुल पावर तो गाइस हम लोग जा रहे हैं नीचे कैंटीन पे क्योंकि हम लोगों को ना एक्नॉलेजमेंट वगैरह निकालना है सो गाइस हम लोग जस्ट कॉफी पी रहे थे हम लोग ने यहाँ पे बैठे थे सर्दियों के टाइम ये जगह काफी मस्त है बैठने के लिए है ना भाई ये भी चश्मा पहना डी टाउन दे रहा हूँ आप बोलेंगे क्या बोलेंगे मन डी टाउन हम लोग पी टाउन हम लोग डी टाउन बोलेंगे मतलब डी से देहरादून टाउन डी टाउन में भी ये वाला भाई तो खाना खाई रहे मैं भी खाना खाता हूँ खाना खाने के बाद तुम लोगों से मिलते हैं ठीक है घर के राजमा चावल और हरी सब्जी तो इज लव गाइज तो ये गाइज हम लोग थोड़ी देर पहले ही उठे मतलब जब अभी 2 मिनट पहले मैं सो रहा था तब से एंड हम लोग अपनी चाय पी रहे हैं ठीक है सोने के बाद ऐसा लगता है ना गाइस क्या बताऊँ तुम लोगों को वो चेक करो गाइस वहाँ सनसेट हो रहा है आई डोंट नो तुम्हें दिख रहा होगा कि दिख रहा होगा बट हमें नहीं पता हम क्या करेंगे क्या नहीं बट जो भी करेंगे अच्छा करेंगे चाय पीते हैं फिर मिलते तुम लोगों से गलती क्योंकि ना मैंने कुछ चीज़ें सोची गाइस मेरे को ना कैफे का बहुत शौक है तो हाँ फ्यूचर में शायद हम लोग अपना कैफे भी बनाएंगे टू बी ऑनेस्ट हेलो इधर फर्जी बैठे यहाँ इधर इतना खुश होता ना गाइस जब इसमें घुमाने लेके जाता हूँ बहुत बहुत ज़्यादा खुश है ना ताई सही नहीं लगता कितना आग वाला सीन आप सभी हो जाते हैं हाँ सो गाइस मैं जस्ट अभी आ रहा हूँ खेल के अराउंड 6:45 पे ठीक है याद है हरिद्वार जब एक व्लॉग में गए थे हम लोग तो मैंने बोला था कि डॉक्यूमेंट्री जो बनेगी हम यूट्यूब में भी अपलोड करेंगे तो हाँ फाइनली आज डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है मैंने और लक्की ने बैठ के एडिट करी दी थी एंड वो इतनी मस्त डॉक्यूमेंट्री बनी ना टू बी ऑनेस्ट बट मेरे को ना उसमें सॉन्ग चेंज करना पड़ेगा Alright, so hey guys, कैसे हो आप सब होप करता हूँ सब अच्छे होंगे अच्छे रहना वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग मॉर्निंग गाइस सो हाँ हम लोग फाइनली उठ चुके हैं काफ़ी जल्दी उठ गया था मैं एंड हम लोग फिलहाल कॉलेज जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों का आज प्रैक्टिकल है एंड तुम लोगों को टाइम चेक कराता हूँ 6:36 हो चुके हैं ठीक है तो फटाफट मैंने ब्रेकफास्ट तो कर लिया था मम्मी ने खिलाया मेरे को फटाफट एंड आज सुबह सुबह हमने अरबी की सब्जी खाई गाइस तो हाँ फटाफट चाय पीते हैं चाय पीने के बाद चलते हैं एंड बाद इतना भयंकर ठंडा और ना कसम से मतलब जो लोग सुबह उठते हो ना ये चीज़ सिर्फ वही रिलेट कर पाते हैं कि जब तुम बाहर जाते हो ना कॉलेज स्कूल या कुछ तो जो ठंडी हवा हो जाए तो कोहरा अलग अंधेरे में कुछ दिखता नहीं फ्लैश लाइट लेकर चलना पड़ता है और सो ठंडी हवा सर में जुन भाई गाइस सुबह ये चेक करो यार गोइन दिख रहा है भाई दूर दूर फ्लैश लाइट अलग खोल रही है रोड में सो गाइस तुम लोगों को सही से बताना अभी मेरी फिलहाल क्लास भी नहीं हो रही है हम लोग पता कब पहुँच गए हम लोग अराउंड 7:42 में पहुँच गए हम लोगों को जो प्रैक्टिकल है वो है 1.5 घंटे बाद ठीक है बट कल के मैं भी ब्लॉग एडिट कर देता हूँ मैं लैपटॉप लेके आ रखा हूँ तो हाँ ब्लॉग एडिट करते फटाफट तुम लोग ये चेक करो भाई हमारी पूरी क्लास खाली है
टू बी ऑनेस्ट मेरे को लगता है बर्फ पड़ने वाली है क्योंकि पहाड़ पूरे कवर हो रहे हैं। ऐसा मौसम होता है ना कोरे कोरे वाला, उसके कुछ टाइम बाद बर्फ पड़ने वाले। लेकिन ये देखो गाइस हमारा फ्लैग कितना मस्त लग रहा है ना इंडिया का। सो ये गाइस फाइनली हम लोगों को प्रैक्टिकल हो चुका है, ठीक है। एंड बाय द वे तुम लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, अभी एक बज रहे हैं डूड कसम से, तुम लोग ये चेक करो अभी भी ना कोहरा हो रहा है कसम से बता रहा हूँ। सेम टाइम ही वी हैव गॉट दीपांशी, क्या हाल है दीपांशी, बढ़िया। एंड साथ ही साथ लूसी शर्मा अभी। सो गाइस फाइनली हम लोगों को प्रैक्टिकल खत्म हो चुका है एंड अभी यहाँ पे वैभव है, क्या हाल है भाई, बढ़िया। डॉक्टर छोड़ दी क्या? एंड साथ हमारे प्रेम है, क्या हाल है भाई। एंड हम लोग ना भी राजमा चावल खा रहे थे, तो गाइस फटाफट राजमा चावल और चाय पीते। अमन आ गया, अमन भी आ गया। अमन अमन किसके साथ है यहाँ पे पता नहीं, कोई है शायद बैठा हुआ अमन के साथ, तो हम हाँ खाते हैं, मिलते हैं अमन से बनाते हैं। गाइस फाइनली हम लोग जा रहे हैं अमन के एंटोर्क में, तो हाँ अभी मेरे चश्मे से मेरी आँख पे लग गई, बहुत दिन बाद जा रहे हैं एंटोर्क पे। मेरे को कहीं नहीं, आजकल कॉलेज ही नहीं आता भाई, भाई भूल गया भाइयों का भाई झूठ बोलता। गाइस ठंड में बहुत ठंड लगती है गाइस इस दे। क्या हाल है मेरे भाई, बढ़िया। कौन सा कोर्स कर रहे हो? बीसीए। ओ बॉय, पाँव में लग गई गाइस। तो इतना भयंकर ठंड हो रहा ना, इतना भयंकर क्या बताऊँ। मैं तो टोपी पहन के आया था बस, मैं भी वीडियो बनाने के लिए टोपी उतार दी मैंने कसम से। सो गाइस हम लोगों के साथ जिमी भी आ चुका है, तो इधर आओ भाई, यहाँ पे आओ, यहाँ बैठो, इसे कैच करना है, इधर इधर रुक जा रुक जा रुक जा, वेरी गुड। अच्छा वो इसने आज बेइज्जती नहीं करी, वरना और दिन तो कैच छोड़ देता गाइस। गाइस फाइनली मम्मी और ताई जी ने आग जला दी, तो हाँ फिलहाल थोड़ी बहुत आग सेकते हैं। आपको यार और स्वेटर बनाते हो भाई, रहने दो आप तो। हेलो आप बनाएंगे अपने नंदू के लिए स्वेटर? ताई जी ने ये चीज बोली ना, अब देखते हैं ताई जी हमारे स्वेटर बनाते कि नहीं बनाती गाइस। अगले साल भाई, इस साल भाई अब ठंड कितनी रहती है, अब जनवरी जनवरी। हम लोग डिनर करके आ चुके हैं, बाय द वे 10:42 हो रहे हैं एंड आज हम लोगों ने व्लॉग अपलोड नहीं करा। इसका रीज़न ये है कि 9:30 तक व्लॉग एडिट हुआ, फिर एंटर होने में थोड़ा बहुत टाइम ले रहा था, तो मैंने सोचा कि हम लोग कल ही व्लॉग अपलोड करेंगे। तो हाँ फिलहाल के लिए ये वाला व्लॉग एंड करते हैं। बाय द वे बहाना बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की, होप फॉर द बेस्ट, 2-3 दिन में बर्फ पड़ने लग जाएगी, वो चीज़ तो अलग अलग ही है गाइज। एंड हाँ फिर जैसी न्यू ईयर है ना, तो 2 जनवरी से मेरे ना एंड टर्म के एग्जाम स्टार्ट हैं, उसके लिए भी पढ़ना है, तो मैंने तो सोचा कि ब्लॉग्स बनाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बट अब एग्जाम्स भी हैं, एग्जाम्स निपटाते हैं, फिर इंटर्नशिप वो तो मैं तुम्हें आराम से बताऊंगा क्या क्या सीन है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग देन मेक श्योर टू डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, नेक्स्ट बी सेफ एंड स्टे सेक्सी, वे वे बाय गाइस बाय। सॉरी वो ना मेरे भाई का फोन आ गया था, ठीक है। सो गाइस मेरे को ना लगता है कि मेरे को चाय और पेटीज खा देते, तो हाँ फटाफट खा हम लोग ऐसी। एंड बाय द वे यहाँ का मौसम इतना मस्त हो रहा है ना, टू बी ऑनेस्ट गाइस हम ये चेक करो भाई।